मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में सुनैना मैम आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्टूडेंट्स पुष्प पादपों में लैंगिक जनन में हम लोग स्त्री केशर के जो है आंतरिक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। आज हम लोग बीजांड के बारे में जानेंगे, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं। बीजांड को हम दूसरी भाषा में गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। तो ये बीजांड यानी ओव्यूल या मेगा स्पोरोन्जियम का हमने एक क्या लिया है, टीएस लिया है। ये देखिए गुरु बीजाणु धानी का एक अनुप्रस्थ काट लिया गया है। जब आप किसी भी बीजांड को टीएस सेक्शन में काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे, तो आपको इस तरह से फिगर दिखाई देगा जब आप इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम यहाँ ये जानेंगे कि ये जो गुरु बीजाणु धानी जो होता है, तो गुरु बीजाणु धानी जो है वो क्या करती है, यानी कि बीजांड की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं, तो बीजांड की संरचना के अध्ययन के लिए जो है गुरु बीजाणु धानी जो है के पार्ट को हमें बारीकी से देखना होता है, ठीक है। तो ये जो गुरु बीजाणु धानी है यानी कि बीजांड मुख्यतया जो होते हैं वो गुरु बीजाणु धानी में ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो ये बीजांड का जो आकार होता है तो न्यू सेलस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू सेलस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बीजांड काय कहते हैं। तो बीजांड काय के अंदर ही क्या होते हैं, किसका निर्माण होता है, बीजांड का निर्माण होता है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये बीजांड काय जो है, ये जो न्यूसेलस जो होते हैं, ये एक पतली भित्ति से घिरी हुई होती है और जिसके अंदर क्या होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सीड होते हैं वो अपने अंदर प्रचुर मात्रा में क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं। अर्थात कहिए कि ये जो न्यूसेलस होता है वो ओव्यूल का यानी किसी बीजांड का मुख्य भाग होता है। इनके जो वाल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, यानी कि इतने पतले होते हैं कि मतलब कि वो पूर्ण रूपेण क्या होते हैं, मृत के समान होते हैं, मरी हुई कोशिकाओं के समान होते हैं। तो उसे हम पेरिकाइमेटस टिश्यू भी कह सकते हैं। तो ये जो न्यूसेलस होते हैं एक पेरिकाइमेटस टिश्यू के द्वारा या फिर पेरिकाइमेटस सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिनकी दीवार क्या होती है, काफी पतली होती है। ये न्यूसेलस के अंदर क्या होता है कि बहुत ही अधिक मात्रा में जो है फूड स्टोर रहता है, और ये फूड जो है वो ओव्यूल को क्या करता है, नरिश करता है, यानी पोषण प्रदान करता है। तो ये जो न्यूसेलस जो होते हैं एक पतली दीवार से क्या होती है, घिरी हुई संरचना होती है न्यूसेलस के चारों ओर। देखिए कि एक पतली जैसी दीवार क्या है, घिरी हुई होती है, जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। यानी कि ये जो माइक्रोपाइल जो होता है तो इसके बेसल पार्ट, ये किसका बेसल पार्ट होता है, तो चले जाल का बेसल पार्ट होता है, यानी कि आधारीय भाग होता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ये जो चले जाल जो होते हैं, तो चले जाल अपने जो है अंदर एक क्या करते हैं, यानी कि ओव्यूल को प्रोटेक्शन देती है, और ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, एम्ब्रायो सैक होते हैं, यानी भ्रूण पोष होते हैं, जो कि एम्ब्रायो पोष, भ्रूण पोष जो होता है वो बीजांड को क्या देती है, पोषण प्रदान करती है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं इसमें सामान्यतः हम क्या देखेंगे कि एक भ्रूण कोश में एक ही बीजांड का निर्माण होता है, यानी कि सिंगल ही ओव्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो मतलब कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जब बीजांड के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, तभी क्या होता है कि ये जो है एम्ब्रायो सैक क्या होते हैं, ये एम्ब्रायो सैक सिंगल
एम्ब्रायो का क्या करेंगे, सिंगल ओव्यूल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये जो एम्ब्रायो सैक जो होता है एक मतलब कि ऐसी संरचना से अटैच होता है, ये एम्ब्रायो सैक जो है किससे जुड़े होते हैं, फनिकल से जुड़े, यहाँ फनिकल है, फनिकल से जुड़े होते हैं एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो ये चलेजाल और फनिकल मिल करके क्या होते हैं, हिलम का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए जो कि आपका एम्ब्रायो सैक से क्या होता है, हिलम अटैच होता है। ठीक है, तो ये हिलम जो होते हैं ये किसके बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं, ये जो है कनेक्टेड रहते हैं फनिकल के बॉडी से, यानी कि जब फनिकल और चलेजा आपस में क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। हिलम के जो है आउटर पार्ट को हम रेफी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि रेफी और हिलम, हिलम के बीच में क्या होता है, फनिकल होता है जो कि चलेजाल से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टूडेंट क्या देखे कि ये जो बीजांड का जो बॉडी होता है, ओव्यूल का जो बॉडी होता है, तो बॉडी का वह स्थान जहाँ से क्या होते हैं, फनिकल अटैच होते हैं, तो ये फनिकल जहाँ से अटैच रहता है उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, हिलम कहेंगे। हिलम को हम हिंदी में नाभिका भी कहते हैं। तो ये जो है नाभिका यानी कि हिलम जो होता है वो ओव्यूल और फिर आपका मतलब कि प्लांट का जो ये माइक्रोपाइल होता है, न्यूसेलस होता है, उससे वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यानी कि न्यूसेलस और फिर ओव्यूल का जो एक बेस होता है उसे, एक जंक्शन पॉइंट जो होता है उसे हम हिलम कहते हैं, अर्थात नाभिका कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे मेगा स्पोरोंजियम। ठीक है, तो मेगा स्पोरोंजियम को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। तो ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो गुरु बीजाणु जनन जो है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि गुरु बीजाणु क्या होते हैं, डेवलप होते हैं कहाँ, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के अंदर जब गुरु बीजाणु का क्या होता है, विकास होता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप जो है गुरु बीजाणु धानी या गुरु बीजाणु जनन के बारे में भली भांति जो है समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे गुरु युग्मक जनन। ठीक है, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए। ओके, या आज यहीं तक ही, तब तक के लिए बाय।